नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं आपके साथ जया। खबर रीवा से है, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा में विधानसभा सत्र के दौरान पूर्व विधायकों की पेंशन वृद्धि के साथ साथ एक प्रोटोकॉल बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। किए गए प्रस्ताव के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अपने रीवा स्थित शासकीय आवास में पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह चर्चा है कि पूर्व विधायक को 3 साल पेंशन मिलती है, तो यह गलत है। 35,000 रुपए पेंशन के साथ पर पंचवर्षीय 500 रुपए दिया जाता है, जो नाम मात्र का है। साथ ही 5 साल जनता की सेवा करने के बाद उन्हें पूर्व विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व सभापति तो कहा जाता है, लेकिन कहीं नाम दर्ज नहीं होता, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि लंबे समय से विधायकों की वेतन पेंशन वृद्ध नहीं हुई है, जिसे किया जाए। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात का भी खंडन किया कि उन्होंने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है कि उनका वेतन मुख्यमंत्री के बराबर किया जाए। आइए आपको सुनाते हैं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इस संबंध में क्या कहा है। विधायकों का भी या पूर्व विधायकों का भी, दोनों का विधानसभा की एक समिति होती है। उस समिति ने निर्णय लिया है कि काफ़ी दिन पहले, आज से 7-8 साल पहले कभी कोई इस तरह का मूल्यांकन हुआ होगा, तो 7-8 साल में तमाम वृद्धियां होती रहती हैं। पूर्व विधायकों का भी काफ़ी दिन से नहीं वृद्धि हुई है, इसलिए हमने आग्रह सरकार से किया है कि इन दोनों में वृद्धि की जाए, पूर्व विधायकों का भी किया जाए, उनका भी किया जाए। आपने अपनी खुद की तनख्वाह पूर्व मुख्यमंत्री के बराबर की मांग रखी है? नहीं, हमारी तनख्वाह का कोई सवाल ही नहीं पैदा। तनख्वाह थोड़ी बढ़ा सकते हैं हम, हमको पकड़े हैं, मांग ही नहीं है। यह गलत जानकारी है आपको, कोई मांग नहीं है इस तरह की। केवल यह कहा गया है कि पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के पूर्व होने के बाद एक प्रोटोकॉल होता है सामान्य प्रशासन विभाग का। प्रोटोकॉल में उनका कहीं स्थान ही नहीं दर्ज है, तो कहीं ना कहीं या तो मृत्यु हो जाए या तो स्थान हो, तो ये स्थान मांगा कि कहीं ना कहीं उनको भी दर्ज किया जाए, पूर्व विधायकों को दर्ज किया जाए, पूर्व सांसदों को दिया दर्ज किया जाए, पूर्व स्पीकर को दर्ज किया जाए, पूर्व डिप्टी स्पीकर को दर्ज किया जाए। 5 साल 10 साल 20 साल काम करने के बाद कोई ना कोई स्थान तो होना चाहिए ना। पूर्व लिखा रहता पर प्रोटोकॉल में कहीं नहीं है, तो वो मांग की गई कि पूर्व का उसको भी दर्ज किया जाए। करने के लिए विधायकों को पहले से ही 3-3 पेंशन मिल रही है, उसके बाद आपने मांग बढ़ाई। 3 पेंशन कहाँ मिल रही? 3-3 पेंशन नहीं मिल रही, पेंशन एक मिल रही है एक्स्ट्रा। जिस तरह से जैसे साल 5 साल उसका बीत गया तो 800 रुपये के हिसाब से फिर मिल जाता है। पेंशन तो 35,000 है, तो 800 रुपये के हिसाब से मिल गया उसको, तो 800 रुपये 5 साल का क्या होता है बताइए ना। इसलिए कहा गया कि उसको सम्मानजनक कम से कम 1,000 रुपये 1,500 रुपये हो, तो जितने टर्म वो करे तो 1,500 में कौन सा बड़ी भारी बात हो जाएगी। 5 साल रहेगा तो कितना 1,000 होगा, इसलिए वो कहा गया।